जाहिद और जी मैं अपनी डिजाइन कंसल्टेंसी रन करता हूँ जैन मलिक आर्किटेक्ट्स के नाम से। आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी और हम पिछले 12 साल से लाहौर में डिजाइन कंसल्टेंसी रन कर रहे हैं जी। जो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको हम थोड़ा सा नर्चर करके और एक डायरेक्शन देके तो उसके अराउंड सारा डिजाइन करते हैं, वेदर इट इज क्लासिकल डिजाइन और मॉडर्न डिजाइन और व्हाटएवर सॉर्ट ऑफ जो है ना जो उनकी चॉइस होती है उसी को शॉर्टलिस्ट करते हैं और उसी को मैच्योर करके तो एक डिजाइन प्रोड्यूस करते हैं। मौजूदा टाइम में तो जी सबसे जो बड़े चैलेंजेस हैं वो हैं मटेरियल्स एंड मटेरियल्स की कंटिन्यूएशन ना होना। बट पिछले कुछ अरसे से हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशंस हैं उसकी वजह से ये बहुत चैलेंजिंग हो गया क्योंकि मटेरियल समटाइम्स अवेलेबल हैं समटाइम्स अवेलेबल नहीं है। आपने सोचा कुछ है और जब आप मार्केट जाएंगे तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, तो हमें एवरी डे एक नई रिसर्च करनी पड़ती है और अपनी थॉट्स को एवरी डे अपडेट करना पड़ता है, अपनी वोकैबुलरी अपडेट करनी पड़ती है। तो ये इस वक्त जो है ना सबसे बड़ा चैलेंज है जी। वैसे तो हर प्रोजेक्ट स्पेशल होता है मगर कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जो कुछ देर तक याद रहते हैं। जिस तरह हमने एक प्रोजेक्ट है इधर लाहौर में ड्राइविन रोड पे कच्ची कोठी, उसमें एक पुराना स्ट्रक्चर उनका जिसकी उनके साथ एक हिस्ट्री ज्वाइन थी, तो उसमें बहुत से बड़े लार्ज ट्रीज थे बहुत पुराने जिनकी एक सिग्निफिकेंस थी, तो हमने एक भी ट्री उसमें से जाया नहीं किया था और उसमें कुछ 3-4 जगह पे हमने पैचेस छोड़े थे जिसको ट्रीज के लिए हमने स्पेसेस छोड़ी और सारी बिल्डिंग को हमने उसी के अराउंड कर किया। एक दो जगह पे हमारी प्लानिंग में वो काफी डिस्टर्ब कर रहे थे तो हमने एक उसकी शाख तक नहीं काटी और अपनी प्लानिंग को अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके उस सारे प्रोजेक्ट को हमने डिलीवर किया एंड इट लुक वेरी ब्यूटीफुल। आर्किटेक्चर इंडस्ट्री तो मेरा ख्याल है पिछले कुछ साल तो बहुत चैलेंजिंग थे क्योंकि लोगों को इतनी नो हाउ नहीं थी और लोग बड़ा मुश्किल से आर्किटेक्ट को हायर करने पे जो है रजामंद होते थे। बट विद द टाइम क्योंकि थोड़ी लीगैलिटीज बढ़ती जा रही हैं और सोशल मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है जिसकी वजह से लोगों तक अब ये इंफॉर्मेशन पहुंच गई है कि आर्किटेक्ट्स को हायर करने का कोई फायदा है। तो टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया और इन चीज़ों ने बहुत आसानी की है। टेक्नोलॉजी ने नो डाउट के आर्किटेक्ट्स की वैल्यू बनाने में बहुत अपना रोल प्ले किया है। लोगों में आर्किटेक्ट की पहले की निस्बत बहुत वैल्यू है और फ्यूचर पाकिस्तान में तो बहुत ब्राइट नजर आता है। H2O के प्रोडक्ट्स जो हैं वो बहुत एक्सक्लूसिव और वेरी वेल डिफाइंड एंड वेल फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं। इट्स रियली अ हाई एंड प्रोडक्ट। हर प्रोजेक्ट में हमारे लाजमी जो उनके एग्जेक्टिव एरियाज हैं उसमें हम H2O के प्रोजेक्ट्स को यूज करते हैं। आवर एक्सपीरियंस विद H2O इज वेरी पॉजिटिव। हमारी बहुत अच्छी डीलिंग है H2O के साथ और दे आर वेरी अकोमोडेटिंग और हर हमेशा ये नई से नई जो है वो चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते रहते हैं। I would like to thank H2O for providing such a good service and such high-end products. Thank you.